हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूं वेट लॉस टिप। जी हां, जैसे कि आजकल सर्दियां चल रही हैं, चाय पीने का सबका मन होता है भाई। इतनी ज़्यादा ठंड है, उसमें गरम गरम चाय मिल जाए तो किसका मन नहीं करता है कि चाय पी जाए। और सर्दियों की वजह से ही, सर्दियों में आप कई बार चाय पी लेती हैं, उसी वजह से आपको लत हो जाती है और आपकी चाय छूट नहीं पाती है। सुबह उठते ही सबको चाय चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो लोग सुबह की चाय नहीं छोड़ पाते हैं तो उनको कितने नुकसान होते हैं। मोटापा तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके साथ ही अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, तो वो प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होती है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको ये बोलते हैं कि चाय कम कर दीजिए, लेकिन नहीं होती है। क्योंकि आप देखिए कि जैसे गर्मियों में मान लिया आपने कम कर दी होगी चाय, लेकिन ठंड आती है फिर से आपकी चाय शुरू हो जाती है, उठते ही चाय चाहिए। तो मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि चाय की लत आपसे नहीं छूट पाती है तो अपनी चाय को आप बदल दीजिए। थोड़ा सा आपको चेंज करना है, ऐसा नहीं बिल्कुल भाई कड़वी पड़वी ऐसी बना के पीनी है, ऐसा नहीं बताने वाली हूँ। थोड़ी सी आपको चेंज करनी है और ये चाय आपके लिए अमृत बन सकती है। जो चाय आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपके लिए अमृत साबित हो सकती है। आपके ब्लड में जो भी कोलेस्ट्रॉल है, अगर आप ये चाय पीते हैं जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसके साथ ही ये जो चाय है आपकी चर्बी को दिन प्रतिदिन पिघलाती जाएगी। जो भी आपकी चर्बी आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लगती है, खासकर सर्दियों के दिनों में ज़्यादा चर्बी जमने लगती है, हमारे शरीर के ऊपर ज़्यादा मोटापा आने लगता है, तो उसको भी पिघलाती जाएगी। तो ये चाय बड़ी ही अच्छी है, हर बीमारियों के लिए अच्छी है। धीरे धीरे मैं आपको बताती जाऊंगी, जैसे जैसे चाय बनाने की विधि आपको बताती जाऊंगी और मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी और किन चीज़ों में फ़ायदा करती है। तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं कि चाय किससे बनानी और कैसे बनानी है। तो अभी जो चाय हमें बनानी है तो मैं एक कप पानी डाल लूँगी। इसके बाद जो नॉर्मली आप चाय पत्ती यूज़ करते हो थोड़ी डालनी है, वो डाल लेंगे, बहुत ही हल्की डालनी है। जो आप दूध वाली चाय में बहुत ज़्यादा ज़्यादा डाल के पीते हो तो उससे तो बहुत ही कम आपको डालनी है। और इस पानी को आपको अच्छे से उबालना है। इसको अच्छे से पहले उबलने देना है और इसके बाद हमें क्या चाहिए इसके लिए वो बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है दालचीनी। आप सबको पता होगा ये दालचीनी है, इसको आपको ग्राइंड करके चूर्ण बनाना है। ये कहीं से भी आपको मिल जाएगी, मार्केट में किसी भी शॉप से आप आसानी से आप ले सकते हैं। इसको ग्राइंड कर लेना है और इसका चूर्ण बना लेना है। अब ये दालचीनी की लगभग, मतलब आप ये समझिए 2-3 चुटकी के बराबर आपको इसमें डालनी है। मैं चम्मच में दिखा दूंगी, इतनी सी आपको अपनी एक कप चाय में डालनी है। अगर ज़्यादा आपको बनानी है उसी हिसाब से आप ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें शहद यूज़ करेंगे। तो ये पानी पक रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ, दालचीनी इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हर बीमारियों के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए, अगर आपको कोई भी बीमारी है और इसके साथ ही वात और कफ की भी प्रॉब्लम है, यानी आपको दर्द भी रहता है, आपको नज़ला जुखाम भी रहता है, यहाँ से छाती से ऊपर के जो एरिया होता है जैसे सर दर्द होना, जुखाम होना, आँखों में दिक्कत होना, ये सब कफ के रोग होते हैं, कफ की बीमारियाँ होती हैं, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। देखिए पकने के बाद आधा हो गया है यह पानी, ज़रूरी नहीं है कि आपको आधा ही करना है। आप एक मिनट तक अच्छे से उबाल लें और बस उसके बाद अपनी चाय डाल लें। तो ये दो तरह के आपको शहद दिख रहे हैं, दोनों जम चुके हैं क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे हरियाणा में, आपको पता ही है सर्दी कितनी ज़्यादा होती है। और ये भी नेचुरल शहद है जो मक्खी के छत्ते से डायरेक्ट मिलता है, तो वहाँ से मंगवाया हुआ शहद है, इसलिए खुला है, मैंने खुला ही मंगवाया है, कोई मार्केट से मैंने नहीं ख़रीदा है। और आप देख सकते हैं ये भी जम चुका है, ये देखिए गर्मियों में पिघला हुआ होता है लेकिन अभी ये जमा हुआ है। और ये दूसरा शहद भी है मेरे पास, क्योंकि ये पिछली सर्दियों का है, मतलब एक साल पुराना है और ये अभी मैंने ताज़ा लिया था, तो ये भी जमा हुआ है। और देखिए दो कलर हैं,
दो तरह की शहद होती हैं, एक कुछ ऐसा व्हाइट कलर से का होता है और एक डार्क कलर का होता है। तो आप ये मत समझिए कि नहीं इसमें चीनी डाली हुई है, ये दोनों नेचुरल शहद है, हमने खुला ही मंगवाया हुआ है, मार्केट से नहीं खरीदा है। लेकिन शहद जम जाते हैं, ऐसा नहीं कि चीनी वाले जिसमें चीनी होती है वही जमता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक चम्मच के करीब आप ये शहद इसमें डाल लेंगे अच्छे से, और इसको खूब मिला लेंगे, मतलब अच्छे से जब तक ये मिल जाए इसको मिलाते रहेंगे। आपको भी कहीं से नेचुरल शहद मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि नहीं 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 भाई ये तो खराब है, मार्केट का तो खराब होता है, ऐसा नहीं सोचना आपको। लेकिन हाँ कम मात्रा में यूज करना है, ऐसा नहीं कि पूरा दिन आप शहद की चाय पिए जा रहे हैं कि भाई चलो ये तो वेट लॉस करता है पूरा दिन पियेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। हर चीज की मात्रा लिमिट में होनी चाहिए तो बहुत फायदेमंद होती है। तो ये देखिए हमारी जो वेट लॉस टी है वो बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है तभी मैंने इसमें शहद डाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज, जब पानी उबल रहा है तब भी इसमें मतलब ऊपर शहद नहीं डालना है, गैस के ऊपर रख के शहद नहीं डालना, नीचे उतार के डालना है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। और ये मत सोचना, पहले भी कई कमेंट्स आ रहे थे कि गर्म पानी में शहद नहीं डालते, मैंने आपको बता दिया है शहद दो तासीर का होता है, अगर गर्म पानी में डालेंगे तो गर्म हो जाएगी, अगर ठंडे में डालेंगे तो उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए आपको ना ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है, उस चीज इस तरीके से आपको शहद का प्रयोग करना है। और आप इसको पी के देख लेते हैं इसका स्वाद, वाओ बहुत ही बढ़िया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि दालचीनी का यूज मैं रोज करती हूँ, मैं जो हर्बल टी पीती हूँ शाम के वक्त, मैंने आपको बताई भी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो हर्बल टी मैं पीती हूँ मुझे बहुत टेस्टी लगती है, उसमें मैं दालचीनी का प्रयोग करती हूँ। आज मैंने आपको बताया है ये जिन लोगों को सुबह को चाय पीने की आदत है, मैं तो सुबह को चाय नहीं पीती हूँ, उठते ही मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, लेकिन जिनको है और पत्ती डाल के चाय पत्ती डाल के पीने की आदत, तो वो इस तरीके से चाय पिए, उनका मोटापा भी गायब हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी, और इस तरीके से ये चाय आपके लिए हर तरीके से फायदेमंद होगी। तो इसको आप जरूर ट्राई करें और फिर मुझे बताना कि आपको कैसी लगी ये चाय। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वाओ